हम आर्टिस्ट हैं और ये हमारी कला है। मैं हफीजुद्दीन, गांव चिठहरा, तहसील दादरी, जिला ग्रेटर नोएडा। ये मजहब की बात आ जाती है, कहते हैं ना रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गलत है। ये कहते हैं ना इंसान की लुक होती है ना, उसी लुक में लाना है रावण को भी। आज मैं आई हूँ मुंबई के गिरगांव चौपाटी और मैं यहाँ पे घूमने तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। हमें पता है कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा कम रावण बनते हैं और जलते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, पर जहाँ पे बनते हैं चलिए वहाँ चलते हैं। मुंबई की गिरगांव चौपाटी की रेत पर बनते हैं मुंबई के रावण। बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ रिलीजन एंड बाउंड्रीज, हर साल मीलों का सफर तय करके आते हैं ये कारीगर इन मुंबई, ओनली टू मेक मुंबई का रावण। कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, दीज आर्टिसंस हैव कम फ्रॉम द दादरी तहसील ऑफ ग्रेटर नोएडा टू मुंबई टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस डिकेड्स। हमारा ये काम है काफ़ी दिन से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे करते चले आए पहले से ही, तो कुछ शौक भी है, कुछ अपने कमा भी ले जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये मैं वो नहीं रखता हूँ कि ये रावण है या ये वो है या वो है, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। ये मेरी रोजी रोटी है, इस रोजी रोटी को करता हूँ मैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रावण मेकिंग बाय दिस आर्टिसंस at Girgaon Chowpatty this year. Dashera is still 12 days away. अभी हमने शुरू किया है यहाँ काम। यहाँ से पहले हम जो है साइन कोलीवाड़ा करके आए हैं, वहाँ तीन चार पुतले बना के ओके करके आ गए, तो रात आ गए थे हम यहाँ। रात आने के बाद में अपनी व्यवस्था देखी है हमने यहाँ की, कि हमारा टेंट लग गया तो हमने अपना सामान सेट कराए, सेट करके काम शुरू किया है। अब ये है कि शाम तक कुछ और मिलेगा यहाँ, कल कुछ और मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा, यानी कि डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ बढ़ता जाएगा इसका मामले का। As time passed by, day after day, simple bamboo sticks were transforming into robust structures. अभी हमने ढाल बनाई है साहब, ये जो रावण के हाथ में होती है दूसरे का वार रोकने के लिए। रावण इस ढाल से दूसरे का वार रोकता था और तलवार लेके अपना वार करता था। बुनियाद बनाते जा रहे थे ये कारीगर उस रावण की, जो कुछ दिन बाद कुछ ही पलों में उन्हीं की आंखों के सामने जल के राख होने वाला था। इसको बड़ी ही मेहनत से करते हैं, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक भी काम करते हैं लोग बाग, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, जब जाके ये तैयार होता है। अपनी रोजी रोटी के लिए ये कारीगर दिन हो या रात घंटों लगे रहते हैं, सो दैट दे कैन डिलीवर द रावण एज प्रॉमिस्ड। For these Muslim कारीगर्स, work is worship. ये मेरी रोजी रोटी है, इस रोजी रोटी को करता हूँ मैं, और वैसे भी मैं कोई भेदभाव नहीं मानता हूँ। Making a Ravan effigy is a serious business, जिसका process demands lots of patience. ये 50 फीट का पहुँचा है, ठीक है ना? फिर इस तरीके से ही छोटे बनेंगे, फिर उससे छोटा पुतला होगा, उसके छोटे बनेंगे, ऐसे ही शरीर बनेगा। मुंडी भी उसी हिसाब से बनेगी, गर्दन भी उसी हिसाब से बनेगी, मतलब एक कहते हैं ना इंसान की लुक होती है ना, उसी लुक में लाना है रावण को भी, कि अभी कहाँ कहाँ पुतले लगने हैं, जैसे मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट, वर्सोवा, गिरगांव चौपाटी, आज़ाद मैदान, बहुत सी जगह पर सभी जगह एक एक पुतला खड़ा होता है, तो इस हिसाब से फिर टीम तैयार की जाती है खड़ा करने के लिए। इस कमर तोड़ मेहनत के पीछे सिर्फ पैसा ही मोटिवेशन नहीं है, एफजी मेकिंग इज द ट्रू पैशन। मेरा अपना ये दस्तकारी का काम है, मुझे एक दस्तकारी का शौक है, कला का। पैसा तो बच्चे सर्विस कर रहे हैं, ये लड़का है मेरा, ये दोनों लड़के बीए हैं, एमए हैं, ये सर्विस करते ग्रेटर नोएडा में भी, कोई गाजियाबाद में। इस कला में हफीजुद्दीन को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं एंड ही हैज बीन अ विटनेस टू द एवोल्यूशन ऑफ रावण एफिजीज फ्रॉम सिंपल वंस टू द ग्रैंड वंस that are made these days.
उस टाइम में इतनी खूबसूरती पुतलों में नहीं होती थी जितनी कला आजकल के पुतलों में है। आजकल जमाना ही बदल गया है। Despite the enormous amount of hard work involved in effigy making, in artisan families like that of Hafizuddin, this art is something that runs in their blood and passed on to the generations ahead. हमारा ये पुश्तैनी काम है। बड़े करते हुए आए हैं, अब हमारे पिताजी कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस तरीके से आता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी। इन कारीगरों को कला तो विरासत में मिल जाती है, पर बदलते समय के साथ कीपिंग अप विद द टाइम्स, हर बार नई डिमांड्स मीट करना एक चैलेंज है, व्हिच इज टेकन हेड ऑन बाय दीस हार्ड वर्किंग आर्टिसंस। मेरे रावण में मुझे कोटी चाहिए, रावण कोटी पहन के और घघरा दूसरा चाहिए, मिलेगा। घघरा भी मिलेगा, कोटी भी मिलेगी, जैसा लुक चाहोगे वैसा मिलेगा। कोई कोई कहता है बाल चाहिए, बाल भी मिलेगा, तो सबका अलग अलग होता है, इसीलिए चेंज कर देते हैं। कपड़ा भी चेंज करा लो, बाल भी बनवा लो, कुछ भी करा लो, मतलब एक लुकिंग जो है ना वो चेंज होती रहती है हर साल। हम भी यहाँ पे भी चेंज करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही तरीके का बना के खड़ा कर दे तो उससे भी पब्लिक बोर हो जाएगी कि पिछली बार भी यार ऐसा ही था, फ़ोटो खींचा है दोनों बार का सेम है, ये तो पिछली बार का दिखा दिया। नहीं, उसमें चेंज कर देते हैं, कुछ कपड़े में चेंज करेंगे, कुछ चेहरे में लुकिंग चेंज करेंगे, है ना, कुछ बाल वगैरह चेंज कर देंगे, कुछ मतलब अदर चेंजेस ले आते हैं, हर जगह पर लाते हैं। With each passing year, the look of the Ravan might change, but what remains the same is the passion of these Ravan effigy makers, where neither distance is a boundary nor religion. Only stands tall is the true passion of making a Ravan. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.